नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फ्रेंड के फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं कि उसका फ़ोन कहाँ ट्रैवल कर रहा है, उसका फ़ोन कहाँ रखा हुआ है या आपका फ्रेंड कहाँ है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। बस आपको उसकी ईमेल आईडी, जो जीमेल की आईडी होती है गूगल वाली, वो और उसका पासवर्ड अगर आपको पता है तो आप उसके फ़ोन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपके कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद एक नया टैब ले लीजिए, जो टैब है इसको ले लेते हैं, काउंटेबल विंडो को। इसमें gmail.com लिखना है और सर्च करना है। ये जो चीज़ है, आप अपने फ़ोन पे, अगर मान लीजिए आपका फ़ोन गुम गया है तो आप उसको उस पे भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपका फ़ोन गुम गया है और उसका आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट कनेक्ट है उस टाइम, तो आप उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ है और आप आसानी से उस फोन को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद ये वहाँ पे पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अपने यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जीमेल आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारे मेल्स शो होने लगेंगे। यहाँ पे मेल्स नहीं देखना है हमें, यहाँ पे सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सेकंड जो लिंक है फाइंड माई डिवाइस गूगल, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो तीन डॉट दिख रहे हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है, जिससे यहाँ पे आइकॉन सी जो है आपको कंप्यूटर मोड पे दिखना चालू हो जाएगा। पहले ये मोबाइल मोड पे था, अब ये पीसी मोड पे आपको दिखेगा, जिससे आप मैप को आसानी से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने अपने फ्रेंड की आईडी खोली हुई है, जिसका नाम है कुलदीप पटेल। उसकी आईडी मैंने अभी ओपन की हुई है। उसकी आईडी जो है तीन फ़ोनों में चल रही है अभी, जो आई थिंक ये वाला तो उसका फ़ोन, जो मुझे या जहाँ तक मुझे डिटेल पता है उसके पास MI Note 4 है। ये वाला फ़ोन जो है उसके पास है। अब ये फ़ोन, जो भी फ़ोन फ्रेंड के पास है आपको तो पता होगा ही, अगर आपका भी मान लीजिए कोई फ़ोन गुमा हुआ है तो आप जानते होंगे कि आपका कौन सा फ़ोन है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे Redmi Note 4 जो कनेक्टेड है, इसकी ईमेल आईडी से यहाँ पे 67% चार्जिंग दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, प्ले साउंड, रिंग, इरेज। अगर आप प्ले साउंड पे क्लिक करेंगे तो आपका, आपके फ्रेंड या आपका जो भी फ़ोन जहाँ पे भी रहेगा वो ऑटोमेटिकली ही रिंग होना चालू हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन साइलेंट है फिर भी वो रिंग होगा। और अगर आप यहाँ पे लॉक बटन पे क्लिक करते हैं, लॉक पे क्लिक करने के बाद वो ये आपका जो फ़ोन है वो लॉक हो जाएगा और वो जो पैटर्न कोड मांगेगा जो भी आपके फ़ोन में होगा, मान लीजिए धोखे से अगर उसने अनलॉक कर लिया है तो फिर से लॉक हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट जो मेन इम्पोर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे देता है इरेज, अगर आप इरेज पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो फ़ोन है उस फ़ोन का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, जो उसमें सारी ईमेल्स, फोटोज, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारा जो फ़ोन हार्ड रीसेट हो जाएगा। अब देखते हैं, मान लीजिए मुझे उसकी लोकेशन पता करनी है, आप तो मैं रिफ्रेश बटन पे टैप करूँगा। रिफ्रेश बटन पे ट्रैक टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप ओपन हुआ है और जो यहाँ पे ये लोकेशन दे रहा है उस फ्रेंड की, जो इसकी मैंने आईडी खोली हुई है, कि उसका फ़ोन कहाँ पे है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये दिख रहा है मैप में, ये पाटन का जो नया बस स्टैंड है उससे थोड़ा सा आगे की लोकेशन दे रहा है ये, और ये उसका घर है की लोकेशन उसके घर की शो हो रही है। अगर मान लीजिए यहाँ वो ट्रैवल करता होता तो इसकी ये लोकेशन जो है ये भी यहाँ से मूव होती, इसमें भी मोशन होता, लेकिन वो अभी यहाँ घर में ही अपने, तो उसकी जो लोकेशन है यहाँ पे स्थिर है। इस तरह आप अपने फ्रेंड की लोकेशन पता कर सकते हैं। और अपने फ़ोन, आप अगर आपका भी फ़ोन गुम गया है तो आप उसकी भी लोकेशन पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ है, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं और आपका फ़ोन मिल जाएगा आपको। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो की मदद से आपने खोए हुए फ़ोन को पा सकते हैं और आप अपने फ्रेंड की लोकेशन पता कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ़ोन जो गुम गया है, अगर आपको उसको इरेज करना है, आपका कोई पर्सनल डेटा है जो है कि जो आपके फ़ोन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपका फ़ोन मान लीजिए आपको नहीं चाहिए लेकिन आपको डेटा वो सिक्योर रखना है, वो उस डेटा तक कोई ना पहुंच पाए, तो आप इरेज जो एक और ये मेन्यू है इरेज का, उसका यूज़ करके अपने सारे फ़ोन के डेटा को क्लियर कर सकते हैं, जिससे जो भी फ़ोन चुराया हुआ है आपको, इसका जिसने भी आपका फ़ोन चुराया हुआ है वो आपके फ़ोन के डेटा को तक नहीं पहुंच पाएगा और वो डेटा पहले से ही डिलीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप
इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।